मुरादाबाद रेलवे डिवीजन में यात्रियों को यात्रा करते समय सुरक्षा मुहैया कराई जाए और साथ ही रेल संपत्ति की सुरक्षा की जाए, जिसको लेकर रेलवे सुरक्षा बल काम कर रहा है। बता दें कि सिविल लाइन स्थित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के मीटिंग हॉल में रेलवे सुरक्षा बल की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन कराया गया। वहीं समीक्षा बैठक के दौरान अध्यक्षता कर रहे मंडल सुरक्षा आयुक्त ने सभी आरपीएफ थानों में लंबित पड़े मुकदमे और किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और कुछ कमियां पाए जाने पर निर्देश भी दिए। साथ ही इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल के जवानों की अनेक समस्याओं पर भी चर्चा की गई। वहीं मंडल सुरक्षा आयुक्त का यह कहना था कि उनका उद्देश्य होना चाहिए कि रेलवे संपत्ति की सुरक्षा हो और साथ ही यात्रा करते समय और जातियों की समस्याओं का समाधान हो और किसी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए, इन सभी बातों को लेकर उन सबको मिलजुल कर काम करना है। वहीं बैठक के दौरान मुरादाबाद रेलवे डिवीजन के सभी आरपीएफ थानों के प्रभारी ने अपने थानों की आखिरी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। Thank you.